और मैंने यहाँ पे इनको दीवार के ऊपर रखा हुआ है फ्रंट साइड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए। ब्रिक के अंदर लगाया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड, ये ब्रिक के अंदर लगाया है। मैंने एक लगा के चेक किया था कि इसमें सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, तो फ्रेंड ये देखिए 4 साल से ये इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, और इन्होंने साइज़ भी बड़ा कर लिया है अपना। इस बार भी डोरमेंसी में जा रहा है और बहुत हार्ड है ये। इस पर इस तरह से देखिए सीड आते हैं, देखिए फ्रेंड, इस पर छोटे छोटे से गोल गोल प्यारे से क्यूट से सीड आते हैं। ये सभी सीड ये जो है कलेक्ट कर लो, और इस सुखाने के बाद ये इसके बीज तैयार हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए एक ही प्लांटर में 4-4 लगे हुए हैं। इसमें जो है मैं काउंट नहीं कर सकता कि कितने कैक्टस हैं, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक ये निकलते चले जा रहे हैं। और देखिए आप कितने हैवी ग्रोथ ली है इसने, चारों तरफ से ये फुल भरा पड़ा है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये ऐसे शेप ले लिया है इसने, और बहुत हैवी इसमें ग्रोथ हो रही है। देखिए लाल लाल हो गए हैं, देखिए एक दो दिन के बाद इनकी चटनी बनेगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और मैं बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन। फ्रेंड ये देखिए, ये है मेरा पेचीपोडियम का प्लांट, जो कि मैं बहुत छोटा सा 3 या 4 इंची प्लांट जो है नर्सरी से परचेस करके लेके आया था। फ्रेंड ये देखिए, तो ये एक इतना, ये 18 इंची गमला है, इसके अंदर मैंने लगाया है। तो इसका साइज़ आप देखिए कितना हैवी हो गया है, और इसके चारों तरफ ऐसे कांटे जो हैं ये इसको ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो फ्रेंड 500 रुपीज़ का उसने मुझे 3 से 4 इंची साइज़ का ये प्लांट दिया था। फ्रेंड आप देख सकते हो, बस इतनी इस साइज़ का ये प्लांट था। तो उस टाइम पर मैं इसको ले आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये क्यूट सा प्लांट। तो अभी इसमें देखिए 8 फिट की हाइट हो गई है, ये पूरा बड़ा प्लांट बन गया है, 8 फिट की इसकी हाइट हो गई है, और इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी तक मेरे गार्डन में इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। देखिए इस साल मुझे लग रहा है कि इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि इसने इतनी हाइट ले ली है। नर्सरी के अंदर भी इतना ही बड़ा प्लांट था, उस पर फ्लावरिंग हो रही थी। तो उसने बोला था कि ये 8 से 10 साल का टाइम भी ले लेता है कभी कभी फ्लावरिंग में। तो मेरे पास ये फ्रेंड 6-7 साल हो गए इसको लगे हुए। 7 साल में देखिए इसने 8 फिट हाइट ले ली है, और बहुत हार्डी प्लांट है। तो ये प्लांट जो है, मुझे लग रहा था कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो ये प्लांट मुझे छोटा लगा। तो मैंने इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, और इसको मैंने क्या किया है, एक इससे दूसरे वाले प्लांटर्स को इसके अंदर लगा दिया, क्योंकि प्लांट इसको बाहर निकाल के दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल काम था। आप इसे कांटे चेक कर सकते हो कितने ख़तरनाक है। तो मैंने इस प्लांटर को ही उठा के और इसके ऊपर रख दिया, और इस बाद में इतना मतलब 4 इंची में खाली था, उसके ऊपर रखने के बाद मैंने 2-2 इंची इसके ऊपर चारों से मिट्टी डाल दी। अब इसकी जो रूट्स हैं नीचे जाकर इसके अंदर भी आ गई हैं, तो ये दोनों को सपोर्ट मिल गई है, मतलब दोनों से ये सपोर्ट ले रहा है। इसकी मैं यहाँ पे भी पानी डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ, ताकि इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके अंदर चला जाए, तो इसको रूट्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से ये देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ इसने ली है, और ये कितना बड़ा हो गया है। सपोर्ट देने के लिए मैंने बीच में यहाँ पे इसको रस्सी से बांधा हुआ है, आप देख सकते हो कहाँ तक पहुँच गया है, ये वहाँ तक पहुँच गया है। तो बिल्कुल यूनिक प्लांट है, हार्डी सकुलेंट प्लांट है, और बहुत अच्छा लगता है ये। अभी ये डोरमेंसी में जाने वाला है, देखिए ऐसे ऐसे करके पत्ते इसके थोड़े ये ड्राई हो रहे हैं, ये देखिए। तो इसके पत्ता मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना हैवी, और ये बहुत मोटे दल का पत्ता है देखिए, और ये पत्ता देखने से लग रहा है कि कितना हार्ड है। तो ये मई जून में ऐसे ही लगा रहता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अब मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से ये अम्ब्रेला का रूप ले लेता है, चारों तरफ से ये अम्ब्रेला के साइज़ का हो गया है, और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा है, और ये मेरे गार्डन का यूनिक प्लांट है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये पेंसिल कैक्टस हैं, बिल्कुल फ्री के कंटेनर, फ्री का डब्बों में मैंने लगाए हुए हैं। देखिए कितने बड़े इनका साइज़ हो गया है, इतना बड़ा इन्होंने जो है पेड़ का ही शेप ले लिया है। तो इसको मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, फरवरी के मंथ में इसको बड़े से अच्छे से प्लांटर में लगाकर वहाँ पे फ्रंट पर रखने वाला हूँ, क्योंकि इसने बहुत प्यारा जो है शेप ले लिया है। और देखिए बहुत हार्डी प्लांट है, ये भी कहीं नहीं जाता फ्रेंड, अपने गार्डन से एक बार ले आओ, और ये बहुत आसानी से, ये जो कटिंग है ना इसकी, ये कटिंग काट के आप लगा दोगे तो ये कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो मैंने कटिंग से बहुत सारे बना के अपने फ्रेंड्स को भी दिए हुए हैं, और मैंने अपने गार्डन में सिर्फ 2 ही छोड़े थे, बाकी मैंने इधर उधर सबको बांट दिए। तो अब इनसे मैं कटिंग से कोई प्लांट नहीं बनाता, क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए, ये बहुत है मेरे लिए, तो यहाँ रख दिए मैंने, ये देखिए। तो ऐसे ये
प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये मेरा कैक्टस वर्ल्ड है, ये देखिए इस पर जो है पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है। अभी तो ये विंटर में इस तरह से ग्रोथ ले रहे हैं, देखिए कितनी हेवी इनकी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए इस तरह से चल रहे हैं। ये कुछ ये दूसरी वाली वैरायटी है, ये देखिए ये दूसरी वैरायटी है और ये ग्रो बैग में चल रहे हैं। और आपको बताऊं कि इनकी मिट्टी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने रफली लगाए हुए हैं। तो ये देखिए इसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं और मिट्टी भी देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी सी है। मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैं इसलिए इनके केयर मैं कहाँ तक करूँ कि इनको मुझे चाहिए ही नहीं। बस एक्स्ट्रा इसका जो है ऐसे करके, जैसे फ्रेंड ये बेबीज आ रहे होते हैं, कोई गिर जाता है, गिलहरी गिरा देती है, तो उसे उठा के कहीं ना कहीं मैं लगा देता हूँ। बाकी बहुत सारे फेंक भी देता हूँ मैं उधर, तो ऐसे ही ये ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए ये यूज़ किया हुआ लोहे का एक वो है पॉट है, उसके अंदर मैंने ये कितने जो है हेवीली ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए इनके अंदर एक भी इंच ज़रा सी जगह नहीं बची है, इसने पूरे प्लांटर को घेर लिया है, कितना हेवी हो गया है। देखिए पूरा फुल भरा पड़ा है ये, इसमें जो है मैं काउंट नहीं कर सकता कि कितने कैक्टस हैं, एक के बाद एक के ऊपर एक ही निकलते चले जा रहे हैं। और देखिए आप कितने हेवी ग्रोथ ली है इसने, चारों तरफ से ये फुल भरा पड़ा है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से ये ऐसे शेप ले लिया है इसने और बहुत हेवी इसमें ग्रोथ हो रही है, कई हज़ार इसके अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, एक तरह से ये फैमिली क्या बोलते हैं इसका कैक्टस फॉरेस्ट बन गया है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से कैक्टस फॉरेस्ट बन गया है। और ये है प्लास्टिक का बाउल, इस बाउल के अंदर देखिए कितनी हेवी ग्रोथ हुई। ये दूसरी वैरायटी है, देखिए इसके कांटे बिल्कुल, इस पर कांटे नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे से और मुलायम कांटे हैं इसके, इसका कांटा बड़ा है और हेवी है, ये लग जाता है। तो ये बहुत इससे कंपेयर में ये थोड़ा इसमें कम कांटे हैं। और फ्रेंड ये इस पर वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है, तो सब पे अलग अलग तरह की अलग अलग किस्म की फ्लावरिंग होती है। वाइट इस पर होती है, पिंक कलर की इस पर होती है और मैजेंटा कलर की इस पर होती है। तो ये सब डिफरेंट हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड ऐसे गिर जाता है ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है, ये किसी गिलहरी ने इसमें जो है टच किया होगा तो ये गिर गया नीचे। और आप देखो इसके अंदर ये रूट्स भी डेवलप हो रही है, तो बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये जगह खाली पड़ी है, अब मैं इसको यहाँ ऐसे रख दूँगा तो ये यहीं पे फ्रेंड ग्रोथ ले लेगा ऐसे। तो इसको बहुत आसान है प्रोपेगेट करना। क्या किया है गिलहरी ने, ये मेरा ऊपर से प्लांटर गिरा दिया है, अब मैं इसको उठाऊँगा। देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, ये ऊपर से गिलहरी ने गिरा दिया है, तो मैं यहीं पे इसको वापस रखूँगा और अब मैं इस तरह से रखूँगा। ये गिलहरी इधर से आती हैं तो गिरा देती हैं इधर से उधर। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने ये डिफरेंट तरह की वैरायटी इसमें लगाई हुई है, ये एक दूसरी वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है कैक्टस की, ये दूसरी, सब डिफरेंट टाइप के हैं ये। ये देखिए ये सब डिफरेंट हैं और इस पर देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अभी ये मैंने अभी 2 महीने पहले ही लगाए हैं, ये भी छोटे हैं तो ये इन पर ग्रोथ होनी शुरू हो गई। और एक देखिए फ्रेंड ये इस पर लग गई थी फंगस, इस वाले पे जो पड़ा है उल्टा, और इसने भी आगे से ग्रोथ ले ली शुरू कर दी। ये देखिए इसकी जो टिप है उस पर से जो है निकलना शुरू हो गया है। तो ऐसे और ये आपको दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल एक स्टाइल है, ये मैंने ब्रिक के अंदर लगाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड ये ब्रिक के अंदर लगाया है, मैंने एक लगा के चेक किया था कि इसमें सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। तो फ्रेंड ये देखिए 4 साल से ये इसमें सर्वाइव कर रहे हैं और इन्होंने साइज़ भी बड़ा कर लिया है अपना। इस बार देखिए 4 साल से हैं ये, 2 साल से इन्होंने काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ ले ली है और बिल्कुल आप समझ लो कि 1 इंची सोइल है इसके अंदर और उसी में ये सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखिए बहुत, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हार्डी प्लांट्स हैं, ये बहुत हार्डी प्लांट्स हैं ये सभी। तो ये है हमारे मेरे गार्डन के हार्डी प्लांट्स, बारे में भी सभी फ्रेंड जानते हैं और जो नहीं जानते हैं बिगिनर्स हैं या उन्होंने न्यू गार्डनिंग स्टार्ट की है तो फ्रेंड ये प्लांट्स उनको बहुत जो है फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत ईजिली प्रोपोगेट होता है। तो ये देखिए इसके ऐसे ये न्यू बेबीज़ हैं, आप ऐसे सोइल में आप डाल दोगे तो ये ग्रो कर जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, देखिए उसके ऊपर से ये गिर गिर के देखिए यहाँ पे कितने बेबीज आ रहे हैं इसके,
तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए कितने ग्रीन ग्रीन नीचे आ रहे हैं। तो ये सब मैंने इनको अपने गार्डन के बिल्कुल एंड में जगह दी है और यहाँ पे नाली है ताकि इसके ये बेबीज गिरें और ऐसे नाली में बाहर चले जाएं, क्योंकि अगर हम फ्रंट पे आगे रखेंगे तो वहाँ से पॉट के अंदर दूसरे पॉट में चले जाते हैं ये इनके बेबीज और वहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं। हर प्लांटर में यही हो जाते हैं। तो मैंने इनको पिछली बार, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इन प्लांट्स का, तो मैंने शौक शौक में इनको आगे फ्रंट पे जगह दे दी वहीं पे, वहाँ से ये हवा से उड़ के बहुत सारे प्लांटर्स में हो गए। फिर मैंने बहुत, मुझे मेहनत करनी पड़ी, बहुत सफाई करनी पड़ी, हर प्लांटर में इसके प्लांट्स जो है ग्रो कर गए थे। तो अब मैंने इनको बिल्कुल एंड में रखा है, यहाँ से बिल्कुल लास्ट में देखिए दीवार है, ये कहाँ इधर उधर नहीं जाएंगे किसी भी प्लांटर में। और हार्डी जो है इसकी, मतलब कितना हार्डी है आप ये देखिए, हार्डनेस जो है इसी से पता चलती है। देखिए छोटा सा ये प्लास्टिक का ऊपर का मतलब हिस्सा है, प्लास्टिक के डब्बे का, और देखिए उसमें कितने सारे ग्रो कर रहे हैं और सभी हेल्दी हैं आप ये देखिए। तो ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फ्री में भी आप इसको फ्री में कहीं से एक प्लांट ले आएँ और आसानी से ग्रो कर लें, ये देखिए। तो ये छोटे से पॉट में लगा है, बहुत हार्डी प्लांट है, ये भी ग्रो कर रहा है, प्लास्टिक बोतल में भी ग्रो कर जाता है, ये देखिए प्लास्टिक बोतल में कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये मैंने लगाए हैं इसमें पॉट में, तो इन पे जो है अगले महीने से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इन दोनों में। इस तरह से मैंने ये चार पाँच लगा के यहाँ पे रखे हैं। और ये मैंने देखिए साग के सीड डाले हैं, तो ये ग्रो कर गए हैं इसमें ग्रो बैग में। ये कश्मीरी साग की मैंने सीडलिंग लगाई थी, देखिए फ्रेंड ये बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगी, कर चुकी है ये, बस अब ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है साग सब्जी भी लगाते रहें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहें फ्रेंड, और इस तरह से एनवायरनमेंट को हरा भरा रखें। देखिए बाहर कितना फॉग है फ्रेंड अभी भी, तो इस तरह से चल रहा है, तो फॉग भी है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड छत के ऊपर। उस टाइम मज़ा आ रहा है देखने में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ना जैसे हम कहीं हिल स्टेशन पे आ गए हो। और फ्रेंड ये मैं बता दूँ, ये एरिया ये न्यू दिल्ली है न्यू दिल्ली है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं हिल स्टेशन पर हैं, क्योंकि बाहर इतना फॉग है, ये देखिए। तो हमने जो है दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटी के अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि जिससे हमें कहीं हिल स्टेशन पे कहीं बाहर जाना ना पड़े। ये देखिए सभी पे फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत हार्डी प्लांट है ये, देखिए बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। कनेर बोलते हैं इसको हिंदी में, ओलिवेंडर इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी केयर तो आप भूल ही जाओ, इसकी केयर मुझे जो है कभी मैंने जो है रिवाइज ही नहीं की कि क्या करना है इसके साथ। बस एक बार मैंने मिट्टी में लगा के इनको सब कुछ छोड़ा हुआ है, काफ़ी सारे मैंने कटिंग से बना लिए हैं ये देखिए, और इनको मिट्टी में लगा के छोड़ दिया है। बस कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ इनमें, वो भी साल में एक या दो बार बस, और ये फिर पूरे साल ग्रो होते रहते हैं और फ्लावरिंग करते रहते हैं। पानी भी इनको मैं बहुत कम देता हूँ, हफ्ते में एक या दो बार ही पानी इनको देता हूँ, पानी भी इनको ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत हार्डी प्लांट है। तो ये देखिए ज़्यादातर मेरे गार्डन में हार्डी प्लांट आपको मिलेंगे, और एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल वो है हार्डी प्लांट का, जट्रोफा प्लांट है, इसको भी चलो अब बता ही देता हूँ आपको। तो फ्रेंड देखिए अभी डोरमेंसी में जा रहा है और बहुत हार्ड है, इस पर इस तरह से देखिए सीड आते हैं, देखिए फ्रेंड इस पर छोटे छोटे से गोल गोल प्यारे से क्यूट से सीड आते हैं। ये सभी सीड ये जो है कलेक्ट कर लो, और ये सुखाने के बाद ये इसके बीज तैयार हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए एक ही प्लांटर में चार चार लगे हुए हैं, वहाँ पर भी तीन लगाए हैं मैंने, उधर दो हैं, और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी रेनी सीजन में, और ये कटिंग ग्रो हो गई है, देखिए मैं कटिंग से इसको इधर निकाल के दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड। और इसका बोनसाई प्लांट बहुत अच्छा बनता है, इसका जो बोनसाई बहुत प्यारा बनेगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इनकी बोनसाई बनाऊंगा, ये देखिए बहुत प्यारा गोल छतर जाता है ऊपर से गोल जाकर, और ये बोनसाई का शेप बहुत प्यारा लेता है। तो मेरी इस बार प्लानिंग है कि इसके मैं बोनसाई प्लांट बनाऊंगा, ये देखिए। और ये भी छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, चार प्लांट्स इसके अंदर हैं, ये देखिए, और बहुत हार्डी प्लांट है, पानी भी इसको कम ही चाहिए। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, और देखिए कैसे अच्छे से सर्व कर रहा है। अभी इसके पत्ते पीले होके ये देखिए डोरमेंसी में जा रहा है, ये पत्ते इसके सूखने लगे, ये देखिए हाथ से टच करते ही ये पत्ते गिर रहे हैं। और पूरे साल जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा इसमें न्यू जो है पत्ते निकल के आएंगे फ्रेंड, और बहुत प्यारी इसमें जो है पत्तों का शेप होता है, फ्लावरिंग भी होती है, छोटे छोटे से फूल आते हैं इसमें रेड कलर के।
तो लेकिन फूल भी नहीं आया, तो देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं। तो मुझे ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है बिना फूलों का। देखिए ये लाल पत्ता है, तो येलो, इसमें ग्रीन, इसके देखिए कितने पत्तों के ही कलर ऐसे हैं कि फूल की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन है, येलो है, रेड है, देखिए सो ब्यूटीफुल, देखिए कितने प्यारा लग रहा है। और बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसकी एक छोटी सी भी कटिंग लोगे यहाँ से वो कटिंग भी ग्रो कर जाएगी। देखिए मेरे बहुत आसानी से चल जाता है। कटिंग लगाई हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर लगा के रखी है मैंने इसकी कटिंग। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लगाइए, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई है और ये इसमें देखिए ग्रोथ। बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखिए ये कटिंग है और ये कटिंग देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी चल रही है। एक कटिंग यहाँ पे लगाइए तो ये भी, इसने भी ग्रोथ ले ली है, देखिए इसने भी ग्रोथ ले ली है। और ये है, ये दोनों कटिंग लगाई थी मैंने और कटिंग इसमें चल पड़ी है। प्लास्टिक का यू देखिए डब्बा है, इसमें एक विंका का प्लांट चल रहा है, वाइट कलर की विंका है, तो ये भी ब्यूटीफुल फ्री का प्लांट है, बिल्कुल फ्री के, दोनों प्लांट्स फ्री के हैं। मैंने क्या किया है, मैंने टमाटर के बिल्कुल पास में इसको रख दिया है यहाँ पे बीच में, ताकि इसके वाइट कलर के फूल जो है टमाटर के जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं, ये देखिए इस पर ये फूल आ रहे हैं, तो इन फूलों पे जो है कीट पतंगे वो आएँ और पोलिनेशन हो और टमाटर बन जाएँ। तो इस तरह से देखिए टमाटर बनने शुरू हो गए हैं और कुछ देखिए लाल लाल हो गए हैं। देखिए एक दो दिन के बाद इनकी चटनी बनेगी टमाटर की। देखिए बहुत छोटे छोटे से भी लग रहे हैं, कुछ बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो ये फ्री के मुझे ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किए हुए अपने गार्डन से टमाटर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।